झारखंड पार्टी के सांसदीय समिति की बैठक राजधानी रांची स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में की गई। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी देने के विषय पर विचार विमर्श किया गया एवं इस विचार विमर्श में 3 सीटों पर तत्काल में प्रत्याशियों की घोषणा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से की गई। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक हुई बैठक में 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शनगंज और चाईबासा से चित्रसेन सिंह को प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। साथ ही कहा कि जल्द ही लोहरदगा खूंटी जिला से भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। और आज हम लोगों का झारखंड पार्टी के संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज लोकसभा का हम लोग आज निर्णय लिया है कि घोषणा करने का, और आज हम लोग 3 लोकसभा का घोषणा करेंगे, जिसमें हम लोगों का है चाईबासा और हजारीबाग और चतरा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। बाकी जो सीट बचा हुआ उसको हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। चाईबासा, चतरा, चाईबासा लोकसभा, चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। प्रत्याशी दे रहे हैं? हाँ, उम्मीदवार दे रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड की बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर के जिलों पर और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले हम लोग चाईबासा से अपना उम्मीदवार चित्रसेन सिंह को, पूर्व सांसद को चयनित किए हैं, वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिर चतरा से हमारे उम्मीदवार दर्शन गंजू होंगे, जो गोंजू भोक्ता खरवार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड पार्टी के वरिया नेता हैं, वो झारखंड पार्टी से चतरा से उम्मीदवार होंगे, दर्शन गोंजू। तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं हजारीबाग से, जिसमें कुशवाहा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा, वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभी खुट्टी में हम लोगों की बैठक काफ़ी देर से हुई, खुट्टी में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं। आज रात में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग सारे उम्मीदवारों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और कल या परसों आपको हम लोग खुट्टी के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। पार्टी कितने जगहों पर चुनाव? पार्टी अभी 6 जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें लोहरदगा है, राजमहल है और ये जो 4 सीट अभी मैंने आपको बताया। चाईबासा से रिपीट करें, क्या नाम था चाईबासा कैंडिडेट? चित्रसेन सिंह को, पूर्व सांसद हैं और झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अशोक जी, नवीन हेमराम जी का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे राष्ट्रपति यानी कि वहां उम्मीदवार देने जा रहे हैं? अभी ये तो हम नहीं कह रहे हैं। नवीन हेमराम जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात करने वाले हैं, स्थानीयता की बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि नवीन हेमराम जिस निष्ठा और जिस सोच के साथ झारखंड में आंदोलनरत हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। वो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग दूसरी बार फिर बैठेंगे तो इसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी तय करेगी कि राजमहल में हम लोग को क्या करना है। वही परिस्थिति है लोहरदगा की, मतलब 6 सीट पर आप लोग खड़े करेंगे निश्चित रूप से, 6 सीट पर। और उसके बाद निश्चित रूप से खड़ा करना है। खुट्टी हमारा गढ़ है, झारखंड पार्टी 1952 से लेके आज तक खुट्टी लोकसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ती रही है और जीतती रही है। विगत बार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का जी वहां से लोकसभा प्रत्याशी थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हरा दिया था, तो निश्चित तौर पर इस बार भी हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं खुट्टी में, आज हमारा फैसला नहीं हो पाया है, हम लोग आज रात को सभी उम्मीदवारों को बुलाए हैं, उसके बाद खुट्टी का फैसला होगा। बाकी 8 सीटों का क्या करेंगे? किसी को समर्थन? बिल्कुल, समान विचारधारा वाले दल के लोगों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। हम लोग एक एक करके निर्णय करेंगे कि पूरे झारखंड में झारखंडी सोच के लोग भाजपा और कांग्रेस से समान विचारधारा, दोनों से समान दूरी वाले दल को हम लोग समर्थन करेंगे। सारे प्रत्याशी बुलाएंगे जो जाति धर्म के लोगों को लेकर चलती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक
ढोंगी पार्टी है, वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर ठगने का काम कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। पार्टी का नारा लगाइए।